नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बिग बॉस 14 की शुरुआत हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग अटेंड कर चुके हैं, उसके ऊपर आपके साथ बातचीत भी कर चुके हैं। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बढ़िया चीज़ जो डिस्कस हुई वो थे सिद्धार्थ शुक्ला के टिप्स जो उन्होंने दिए जान शानू को। जी हाँ दोस्तों, उसी से मुझे लगा कि हम लोग, आप और हम जो बिग बॉस देखते आ रहे हैं बड़ी देर से, बहुत सारे सीजन हम लोग देख चुके हैं, तो हमारे पास भी कुछ टिप्स होंगे जो हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं। और आप भी अपने टिप्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या चाहिए, कौन से टिप्स हमें जरूरी है जानना बिग बॉस में जाने से पहले, उन्हें टिप्स पे बात करेंगे आज। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टिप से कि पहला टिप क्या मैं समझ रही हूँ और उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी होगी वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ आपसे डिस्कस करना उस ओवर कॉन्फिडेंस की जो कई कंटेस्टेंट जो है घर के अंदर लेके जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही खराब चीज होती है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज होती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस अगर आप लेके जाओगे घर के अंदर तो हिना खान की तरह आपके साथ बहुत सारी बातें ऐसी हो जाएंगी जो आपको बाहर यानी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग का हिस्सा बनाएंगी। जी हाँ, जैसे बिग बॉस 11 में हिना खान ने बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो टीवी के सेलिब्रिटीज थे उनको आर्गुमेंट में लिया और उनको लेके ये तक बता दिया कि मैं इनसे ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, ये मेरे से कम सक्सेसफुल है। ना सिर्फ ये उन्होंने किया, उन्होंने ये भी कह दिया कि साउथ की जो इंडस्ट्री है उसको डिग्रेड कर दिया। काफी सारा इसके ऊपर बवाल हुआ था सोशल मीडिया पे और ये बात आई थी कि बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है हिना खान और ये बड़ी वजह रही थी उनका वो शो ना जीतने की। तो ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही खराब चीज है। अब इस बार हिना खान फिर से आ रही है बिग बॉस 14 में एज गेस्ट कंटेस्टेंट। देखना होगा कि क्या करती है हिना खान बिग बॉस 14 में। दूसरा टिप ये है दोस्तों कि दूसरों की बातें जरूर सुनो मगर करो अपने मन की, यानी कि अपनी गेम खेलो। हमने पुरानी कहावत भी सुनी हुई है कि सलाह सबकी सुनो मगर करो वही जो आपका दिल चाहता है, ऐसी ही कुछ फ्रेज है हिंदी की, मुहावरा है हिंदी का। तो उसके ऊपर अमल करना बड़ा जरूरी है, खास करके बिग बॉस के घर में। और यहाँ पे फिर से मैं एग्जांपल बिग बॉस 11 से ही लूंगी जिसमें प्रियांक शर्मा के साथ सेम इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि प्रियांक शर्मा बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और एक टाइम ऐसा हुआ कि वो हिना खान के चमचे बन गए, ऐसी उनकी जो थी ट्रोलिंग होनी शुरू हो गई थी, वो जो हिना खान कहती थी उसी के लिए बात करते थे। तो इसकी वजह से उनका दो लोगों से झगड़ा भी हुआ था जो बहुत ही सॉलिड कंटेस्टेंट थे, सिर्फ और सिर्फ हिना खान की वजह से उनका शिल्पा शिंदे और अर्शी खान से भी झगड़ा हुआ था। तो सुनो सबकी, करो अपने मन की, इस मुहावरे पे अमल करना बड़ा जरूरी है बिग बॉस के घर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा टिप ये है जो सिद्धार्थ शुक्ला ने भी दिया था जान शानू को कि रियल रहो, जो आप हो वो रहो और उसी में आपकी भलाई है। अगर आप कुछ अनरियल करते हो, अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो आप हो ही नहीं, तो आप अगले ही पल पकड़े जाओगे, आपकी सच्चाई सामने आएगी, फिर आपके नंबर ऑडियंस की नजरों में कट जाएंगे। तो इसलिए रियल रहना बहुत ही जरूरी है और रियल रहने की एग्जाम्पल जो है वो हमारे बिग बॉस में काफी लोगों ने दी है, जिसमें कुछ के नाम मैं लूंगी। जैसे इसी सीजन में जो 13 सीजन हुआ था इसमें सिद्धार्थ शुक्ला काफी रियल थे, शहनाज कौर गिल काफी रियल थी और श्रीशांत की बात करेंगे तो वो भी काफी रियल थे और फिर दीपक ठाकुर भी काफी रियल प्लेयर थे। तो ऐसे रियल प्लेयर्स की तरह खेलेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाएंगे और लोगों का दिल भी आप आराम से जीत पाएंगे। तो ये है कि रियल खेलो, ये है तीसरा टिप। की बात करें तो चौथा टिप है झूठ मत बोलो। जी हाँ, झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि इतने कैमरास हैं कि अगर आप झूठ बोलते हो तो कैमरे में आ ही जाता है। वही चीज अगर आप दूसरे के सामने किसी और तरीके से पेश करते हो तो बाहर बैठी ऑडियंस को पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा बिग बॉस में बहुत बार होता है कि लोग झूठ बोलते हैं, लोग कहते हैं यहाँ पे कुछ कहते हैं वहां पे कुछ कहते हैं और उनके बहुत सारे नाम भी पड़ते हैं। तो ऐसे कंटेस्टेंट्स को व्यूअर्स ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए सच्चाई का साथ दो,
जो है उसको याद रखो कि मैंने क्या कहा है, और वो तभी याद रहेगा अगर आप सच बोलते हो तो, क्योंकि झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को याद नहीं रखना पड़ता है। इसलिए जब भी आप बोलोगे सच ही बोलोगे, इसलिए झूठ की कोई जगह ही नहीं रहेगी, और इससे आप ऑडियंस का दिल भी जीत पाओगे। पांचवा टिप ये है दोस्तों कि जिस बात में दम हो उसी पे स्टैंड लो। ऐसा नहीं कि कोई भी मुद्दा लिया, कोई भी बात ली, उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, स्टैंड लेना शुरू कर दिया। आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये जो बात है इस पे अगर मैं स्टैंड लूंगा तो ये बात ऑडियंस तक कैसे पहुंचेगी, कैसे मैं उन लोगों का दिल जीत पाऊंगा। अदरवाइज सिर्फ लड़ने के लिए लड़ोगे तो वो नहीं समझ में आएगा ऑडियंस को, ऑडियंस को पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा है। इसलिए बात पे स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, बातों को ऐसे जाने भी मत दो, और स्टैंड भी उन्हीं बातों पे लो जिनका कुछ काम हो, जिनमें कुछ दम हो। नंबर 6 पे जो टिप है वो है नकली झगड़ा मत करो, यानी कि झगड़े को प्लांट मत करो। ये आप पकड़े जाते हो क्योंकि अब जैसे जैसे बिग बॉस के सीजन आगे बढ़े हैं, अब व्यूअर्स को भी पता चल गया है कि कौन असली में झगड़ा कर रहा है, कौन नकली में झगड़ा कर रहा है। यहाँ की बिग बॉस 13 में तो माहिरा साफ साफ पकड़ी भी गई थी कि वो मधुरिमा को टिप दे रही है कि यहाँ पे ऐसा करो तो इससे झगड़ा होगा, इससे मुद्दा मिलेगा और तुम्हारी फुटेज जो है वो दिखाई देगी ऑडियंस को। तो ऐसे झगड़े मत करो जिससे आप पकड़े जाओ और लोगों को पता चले कि अरे बात तो कुछ थी नहीं और सामने वाला तो कोई रिस्पांस कर नहीं रहा, फिर ये झगड़ा क्यों बढ़ा रही है, क्यों बार बार कर रही है। तो ऐसे झगड़ों से बचो, अगर सच में गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को निकालो मगर बिना वायलेंस के। तो ये है 6ठा टिप। सातवां टिप ये है दोस्तों कि टास्क बिग बॉस में बहुत बड़ी चीज है। टास्क इतनी ईमानदारी से करो और इतनी चालाकी से करो कि आप जीते भी और ऑडियंस का दिल भी जीते। मेरा कहने का मतलब है कि टास्क भी जीतें और लोगों का दिल भी जीतें। इस ईमानदारी से टास्क को करना चाहिए, और जो चालाकियां बिग बॉस छोड़ देते हैं बीच में टास्क, यानी कि कुछ जो है फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ते हैं, उन ब्लैंक्स को समझने के लिए अपने माइंड को अलर्ट रखो और टास्क को उसी शिद्दत के साथ खेलो कि जैसे यही टास्क है जो आपको जीतना है, इसके बाद ना कोई टास्क होगा ना कुछ होगा। तो उस शिद्दत के साथ हर टास्क को खेलो तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, आप डेफिनेटली लोगों का दिल जरूर जीतोगे। आठवां टिप है दोस्तों कि नॉमिनेशन से कभी मत डरो। जी हाँ दोस्तों, इतना विश्वास आप अपने व्यूअर्स पर रखो कि नॉमिनेशन से मत डरो। अगर आप दूसरों के पास जा जा के अपने सेफ साइड रखते हो कि मुझे नॉमिनेट मत करो, तो इससे आप वीक दिखाई देते हो, लोगों को लगता है कि इन्हें अपने फैंस पे विश्वास नहीं है। इसलिए नॉमिनेशन के टास्क को बहुत ही समझदारी से दिमाग से खेलो, और अगर किसी को आपको बोलना भी है कि मुझे नॉमिनेट मत करो, उसमें भी ऐसा दम होना चाहिए कि अगला आपकी बात से कन्विंस हो जाए कि आपको नॉमिनेट क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से नॉमिनेशन का टास्क खेलना चाहिए, भिखारियों की तरह नहीं खेलना चाहिए। नाइन्थ जो मेरा टिप है दोस्तों वो ये है कि प्रोवोकेशन का जवाब प्रोवोकेशन से दो, यानी कि अगर कोई आपको प्रोवोक कर रहा है तो आप भी उसको प्रोवोक करो, डरो नहीं। और दूसरी चीज, प्रोवोकेशन का जवाब वायलेंस से मत दो, धक्के से, थप्पड़ से, इससे मत दो, क्योंकि जो दूसरा खिलाड़ी होता है उसका पर्पज ही यही होता है कि आपको इस लेवल तक प्रोवोक करे कि आप उनको थप्पड़ मारो, आप उनको धक्का मारो। तो ये जो धक्का थप्पड़ जो है ये सब आपकी नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, आपकी नेगेटिव इमेज दिखाते हैं, तो इनसे बचो। और अगर प्रोवोक कर रहा है कोई तो उसको भी आप प्रोवोक करो, झगड़ा करो दबा के, बट डरो नहीं और थप्पड़ और मुक्के का और धक्के का इस्तेमाल मत करो। दसवां टिप यह है दोस्तों कि किसी के साथ उतना ही पर्सनल जाओ जिससे लोगों का आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट हो, आप में इंटरेस्ट बढ़े कि ये आगे क्या बोलने वाला है या क्या बोलने वाली है।
उतना पर्सनल मत जाओ कि किसी के माँ बाप पे गालियां दे दो। और ये सब गालियां जो है कभी भी किसी को ना तो सुनने में अच्छी लगती है ना ही व्यूअर्स को देखने में अच्छी लगती है। अगर कोई माँ बाप की गालियां दे भी रहा है तो आप उस उन गालियों को किसी और तरीके से उनको रोकिए और उनको मना कीजिए कि ये मत निकालिए गालियां। और अगर फिर भी नहीं रुकते हैं तो वहां से अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये गालियां जो है पब्लिक के ऊपर बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस देती हैं। हाँ, पर्सनल अगर आप होते हो कहीं पे कुछ बातों को लेके, तो वो पर्सनल जो चीजें हैं वही डिस्कस कीजिए जिनकी इंपॉर्टेंस शो के हिसाब से हो, ना कि किसी को इस तरह से पर्सनल करके जाइए जिससे आपकी रेपुटेशन लोगों की नजरों में कम हो। तो ये है 10th टिप। और लास्ट और 11th टिप ये है दोस्तों कि अपनी लाइफ के हर रंग को बिग बॉस के घर में जियो, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला ने जिया। अपनी जिंदगी के हर रंग को बिग बॉस के घर में दिखाओ, जैसे शहनाज कौर गिल ने दिखाया। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको पता है कि आप में खूबियां हैं, जो भी आपको लगता है कि आपको यहाँ पे करना चाहिए, और आपको पता है कि 100 से ऊपर कैमराज हैं और हर कैमरा आप पे नजर गड़ाए खड़ा है, तो आपको वहां पे हर रंग दिखाना चाहिए। क्योंकि रंग अगर दिखाओगे तभी लोगों का आप में इंटरेस्ट होगा और तभी आपको लोग उसी हिसाब से देखेंगे, लोगों को एंटरटेनमेंट मिलेगी। नहीं तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। सबसे पहले बोर होंगे कौन? जो मेकर्स हैं, जो एडिटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं। तो अगर वो आपके उन रंगों से, जो रंग आप फीके से रंग दिखा रहे हो और उन रंगों से वो लोग बोर होंगे, तो वो एपिसोड जो 1.5 घंटे का होता है उसमें आपके शॉर्ट्स नहीं लगाएंगे। और अगर उसमें आपके शॉर्ट्स नहीं लगते हैं, फिर बाद में आपके शॉर्ट्स व्यूअर्स को भी नहीं दिखेंगे, व्यूअर्स को नहीं दिखेंगे तो आपको वोट कहाँ से मिलेगा? मतलब जीरो। तो ऐसे रंग निकालिए अपनी लाइफ के कि ये 3 महीने या 4 महीने जो लाइफ के हैं यही है जीवन, इसी में मुझे फुल लाइफ जीनी है, और कैसे जीनी है वो आपको डिसाइड करना है। तो ये सारे टिप्स हैं मेरे बिग बॉस के शो के लिए कि जो भी जाते हैं उनको इन बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। आप क्या कहते हो इन टिप्स के बारे में, और क्या आप इसमें प्लस करना चाहते हो कोई टिप्स, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।